हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। डिस्क्लेमर, ये शो ओनली फॉर एडल्ट, बच्चे और फैमिली शो को नहीं देख सकते। क्या स्काई रोजो, ये एक स्पेनिश शो है जिसे बनाया है मनी हेस्ट के क्रिएटर्स ने, और बस ये एक वजह ही काफ़ी है। लेकिन उसके अलावा ये शो में आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड 22 मिनट से लेकर 31 मिनट्स के बीच में ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। खैर, शो की कहानी शुरू होती है स्पेन से, जहाँ पर हमें एक क्लब नज़र आता है। उस क्लब का नाम है क्लब लैस नोवेस। अब यहाँ पर 3 सेक्स वर्कर, हालांकि बहुत सारी सेक्स वर्कर काम करती है, लेकिन जो हमारे इस शो के 3 मेन कैरेक्टर है, कोरल, वेंडी और जीना, तीनों ही सेक्स वर्कर है। और इस क्लब में वो एज अ डांसर भी काम करती है। खैर, इस क्लब को ओन करता है रोमियो, जिसको आप लोग भड़वा या दलाल भी, सब मिडल मैन भी कह सकते हो। कहानी में ट्विस्ट आता है जब जीना अटैक करती है रोमियो पे, और इस अटैक में उसका साथ देती है कैरल और वेंडी। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। अगर शो के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो भाई आउटस्टैंडिंग, जिस तरह से शो को एग्जीक्यूट किया भाई, फर्स्ट एपिसोड से लेके 8 एपिसोड तक जगह से हिल नहीं सकते आप लोग। और उसके बाद शो इतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, लेकिन वो फास्ट पेस्ड होने के बावजूद भी हर एक चीज़ को इतनी अच्छी तरह से बताया है, समझाया है, कि मतलब आप कहीं से भी शो में फॉल्ट निकाल ही नहीं सकते। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो स्पेशली जो 3 सेक्स वर्कर्स हैं, कैरल, वेंडी और जीना, इन तीनों कैरेक्टर को इस पूरे शो में, जैसे शो प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ डिटेल नरेशन के थ्रू दी जाती है। बेसिकली यानी कि वो उनका बैक स्टोरी क्या थी, वो लोग किस तरह से इस फील्ड में आए, फिर उसके बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हमें नरेशन के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही कम टाइम में बताई, जिससे आप लोग समझ सकते हैं हाँ भाई इन कैरेक्टर के साथ आखिर हुआ क्या था। उसके अलावा जो दूसरे 3 विलेन कैरेक्टर हैं, रोमियो, मोजेस और क्रिस्टन, इन तीनों कैरेक्टर को भी इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया, या उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी तरह से बताया कि आप उनको भी इजीली समझ लेते हो और उनसे भी आप लोग आराम से हेट करना स्टार्ट कर देते हो। फिलहाल शो में मनी, ड्रग्स, सेक्स, कॉमेडी, एक्शन, वॉयलेंस, यानी कि सबका एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा, जो कि शो को एक अलग ही लेवल पर लेके चले जाता है। शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो यार काफ़ी कलरफुल शो है, और हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया है, चाहे वो एडल्ट सीन भी हो तो मतलब उसको ऐसा बताया कि वो आपको ख़राब ना लगे, मतलब वियर्ड ना लगे। तो इसकी सिनेमेटोग्राफी की तो तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे हाईलाइट है इसका BGM। भाई नो वर्ड्स, जिस लेवल का BGM आप यहाँ सुनोगे ना, वो जो थ्रिल आता है ना उसके BGM से, मज़ा आ गया इसका BGM सुन के। लेकिन एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन फैबुलस जॉब, चाहे वो फीमेल एक्ट्रेस हो चाहे वो मेल एक्ट्रेस हो, सब लोगों ने अपने हिस्से को उनको इतना गजब का निभाया कि भाई उनकी एक्टिंग के लिए इस शो को मैं दोबारा से देखूँगा। शो की एडिटिंग बहुत बढ़िया है, यानी कि अननेसेसरी के सीन्स नहीं डाले, डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच के, और एक पकड़ बना के रखता है ऑडियंस पे। और इनफैक्ट मैं एक भी एपिसोड में बोर नहीं हुआ, उल्टा मुझे तो कुछ कुछ सीन्स वियर्ड लग रहे थे, लेकिन कुछ कुछ सीन्स में हंसी भी आ रही थी, और लिटरली आप भी ये सारी चीज़ें फील कर पाओगे। मैं रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। Season 2 डेफिनेटली इसका आएगा, क्योंकि जहाँ पर Season 1 ख़त्म हुआ वो एक क्लिफ हैंगर है, और 100% इसका Season 2 आएगा, और मैं उन ऑडियंस में से एक हूँ जो अब इसका Season 2 का वेट करेगा। तो अगर आप लोग को ये शो देखना है तो डेफिनेटली चेकआउट करो, देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये शो फिर से बता दो, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।